रेखा वर्मा, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम को उसके पहले एयरपोर्ट की सौगात दी है। उन्होंने पाकयोंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहे। ये एयरपोर्ट 206 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में लगभग 605 करोड़ रुपए की लागत आई है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कई बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। मैं सिक्किम का पहला एयरपोर्ट आप लोगों को भेंट करता हूँ। हिंदुस्तान ने सेंचुरी लगा दी है क्योंकि अब तक देश में 100 एयरपोर्ट चालू हालत में हो गए हैं। राफेल डील विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। सोमवार को भी कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए उन्हें कमांडर इन थीफ तक कह डाला। सोमवार को राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें राफेल डील के बारे में समझाया जा रहा है। वीडियो में मौजूद शख्स कह रहा है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राफेल डील के बारे में कहा कि भारत सरकार की ओर से अंबानी की कंपनी का नाम सुझाया गया था क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। राफेल डील को लेकर कांग्रेस की ओर से बार बार केंद्र सरकार पर उठ रहे सवालों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस सौदे की जांच अब कैग से कराई जाएगी। कैग इस सौदे की कीमतों की जांच करेगी लेकिन ये डील रद्द नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कैग इस बात को भी परखेगी कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार में राफेल विमान की सौदेबाजी बेहतर थी या बीजेपी नीत एनडीए सरकार में हो रही डील बेहतर है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोलते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार और राष्ट्रीय राजधानी की आप सरकार के प्रदर्शन पर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी है। केजरीवाल ने हिंदी में ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए लिखा, अमित शाह जी, जितने काम मोदी सरकार ने 4 साल में किए उससे 10 गुना ज्यादा काम हमने किए। इससे पहले शाह ने रामलीला मैदान में केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने 3.5 साल के दौरान दिल्ली को विकास से वंचित रखा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया कि मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कैबिनेट में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। शाह के इसी ट्वीट का असर है कि आज 2 बीमार मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में राज्यों से मॉब लिंचिंग को लेकर कोर्ट के आदेश पर अमल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले में राज्यों और केंद्र सरकार को आदेश दिया गया था कि सरकारें मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रचार प्रसार करें, लेकिन सरकारें ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने को लेकर केंद्र सरकार 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिए गए समर्थन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं। राहुल के आरोपों को पाकिस्तान का समर्थन है। पाकिस्तान राहुल गांधी के ट्वीट को टैग कर रहा है। क्या कांग्रेस इंटरनेशनल गठबंधन बना रही है? हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कुल्लू के ओट में बादल फटने से कुल्लू मनाली के बीच डोबी विहाल में व्यास के बीच 9 लोग फंस गए थे जिन्हें वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। राज्य के 12 में से 10 जिलों में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है जिसके कारण कई जगह बाढ़ आ चुकी है और कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या के बाद अब एक और गुजरात के कारोबारी नितिन संदेसरा के देश छोड़कर नाइजीरिया भागने की खबर है। स्टर्लिंग बाजक के मालिक नितिन संदेसरा पर 5,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोप है। मालूम हो कि भारत का नाइजीरिया के साथ कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है और इस वजह से उन्हें अफ्रीका से वापस लाना कठिन होगा। रेवाड़ी गैंगरेप में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने देर रात महेंद्रगढ़ के सतनाली से पंकज और मनीष नाम के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के मास्टरमाइंड निशु को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें 12 सितंबर को तीनों आरोपियों ने छात्रा का उस समय अपहरण कर लिया था जब वो अपनी कोचिंग से वापस आ रही थी। इसके बाद लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की अत्याधुनिक हथियार से लैस अपराधियों ने करीब 20 राउंड फायरिंग करके हत्या कर दी है। इस वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए भाग गए। हमले में पूर्व मेयर समीर कुमार की गाड़ी के चालक की भी मौत हो चुकी है।
समीर कुमार मुजफ्फरपुर के सार्वजनिक जीवन में बेहद पॉपुलर थे। वो राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। इस हत्या के बाद शहर में सन्नाटा पसर गया है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान में सेना और आईएसआई सरकार के अधीन नहीं आती, तब तक बॉर्डर पर हालात नहीं सुधरेंगे। जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, उनको देखते हुए आतंकवादियों के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। मुन्ना सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बलिया में कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों की जन चौपाल की गई, जिसमें बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और उनके समर्थकों ने डीआईओएस को पीटा और आधे घंटे तक जमकर हंगामा मचाया। इस बारे में विधायक ने कहा कि डीआईओएस गुंजाई करने लगा और नेताओं को ही दोषी कहने लगा। हम ना किसी अधिकारी से डरने वाले, ना किसी नेता से डरने वाले हैं। मेरे मन में जो भी आएगा वही मैं करूंगा। विधायक जी, आज किस तरह की बैठक हुई यहाँ पे? जन चौपाल था, जिले का पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच में जन चौपाल। जी जी, तो अभी डीआईएस महोदय से किस तरह की झड़प हुई सर? किसी से नहीं, वो लगा गुंडाई करने, वो जो है नेताओं को ही दोष देने लगा। जी जी, उसी पर जो है नेता लोग थोड़ा प्रतिकार कर दिया। उसके बाद बात सुनने वाले नहीं है, हम कितने किसी नेताओं से डरने वाले हैं, ना हम किसी से दबने वाले हैं। जो मेरे मन में आएगा वही मैं करूंगा। सरकार में अधिकारी पे लगाम हो गए क्या? अब देखिए, अभी सब अधिकारी तो नहीं, सब अधिकारी तो अच्छे। टीम इंडिया ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए रविवार को एशिया कप 2018 के सुपर चार मैच में पाकिस्तान को भी हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले पाकिस्तान को केवल 237 रनों पर रोका और फिर केवल एक विकेट के नुकसान पर निर्धारित लक्ष्य को केवल 40वें ओवर में हासिल कर पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 111 और शिखर धवन ने 114 रन की बेहतरीन पारी खेली। यशराज के बैनर तले बन रही साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से आमिर खान का लुक रिलीज कर दिया गया। फिल्म में आमिर के किरदार का नाम फिरंगी होगा। आपको बता दें, आमिर से पहले अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, लॉयन ओवेन और फातिमा सना शेख का लुक मोशन पोस्टर्स के जरिए रिलीज किया जा चुका है। आमिर ने अपना लुक ट्विटर पर शेयर किया। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज टीवी। नमस्कार।